हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की ये क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, इससे पहले ना लगभग 26 क्लासेस आ चुकी है, तो उन सारे क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए और जहां पे ज़रूरत हो उसे पेन पेपर पे नोट करते हुए जाइए, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, पूछा गया है कि किसने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इनॉग्रेशन किया है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, तब आप बोलोगे क्वेश्चन जब ऐसे आते नहीं हैं तो ऐसे पढ़ा क्यों रहे हो। इसका रीज़न देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ और ये किससे संबंधित है, तो इन चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल मैं आपको ऐसे बता दूँ, ऐसे क्वेश्चन इनॉग्रेशन की बात आए ना, कुछ लंबा चौड़ा नाम हो, बड़ी बात हो, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी साहब, 10 में से 9 बार आप नरेंद्र मोदी का नाम लोगे तो सही हो जाएगा। एक ही टाइम में कभी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इन चीज़ों का इनॉग्रेशन करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। आगे देख लेते हैं जो मैंने बात कही थी उसके बारे में, यहाँ से आप देख पाओगे। और इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन कहाँ करी है, प्रगति मैदान, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो इन चीज़ों को याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए इसका क्या, इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और बायोफार्मा वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, इस पर काम किया जाएगा इस पर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नितिन गडकरी, याद रखिए जैसे ही आप ना किसी भी व्यक्ति का नाम देखो, किसी भी मिनिस्टर का नाम देखो, आपके माइंड में ना तुरंत क्या उभरना चाहिए कि ये कौन से मिनिस्टर में मिनिस्ट्री करते हैं, तो याद रखिए नितिन गडकरी हमारे जो हैं रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है। कौन है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, इस बात को याद रखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं कि इन्होंने देखिए क्या, इन्होंने जो है 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की जो है अनाउंसमेंट करी है, कहाँ पे करी है, कर्नाटका में, तमिलनाडु, बिहार या मिजोरम में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, फाउंडेशन स्टोन यानी कि उद्घाटन इन्होंने करा है, कहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो आप इनकी फोटो, ये कौन दिख रहे हैं आपको, कुर्सी कुमार यानी कि नीतीश कुमार, जो कि पिछले 15-20 सालों से कुर्सी पे जमे हुए हैं, कभी बीजेपी कभी लालू जी के पार्टी राजद के साथ ये मिल जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरजेडी यानी कि एक्चुअली आरजेडी कहाँ की पार्टी है, बिहार की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार। जहाँ पे 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पटना में बनाए जाएंगे, हाजीपुर में बनाए जाएंगे, पटना के नज़दीक ही हाजीपुर, और टोटल कॉस्ट आएगी लगभग जो है 13,500 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन। देखिए इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बायलेटरल जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये नहीं करता है, कुछ ही कंट्रीज़ है, इसमें से एक नाम आएगा रसिया का, सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, यूएई के साथ हम लोग करते हैं, यूएई हम लोगों का अच्छा पार्टनर है, सऊदी अरेबिया अच्छा पार्टनर है, इसके अलावा जापान भी हमारा अच्छा पार्टनर है, लेकिन जापान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बहुत कम ही होती है, क्योंकि जापान की जो भी डिफेंस की देख रेख है वो कौन करता है, अमेरिका करता है। तो फिलहाल हम लोग जो है किसके साथ कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं ना, याद रखिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिकॉज ऑफ इंडिया, बांग्लादेश का जन्म ही इंडिया के सपोर्ट के कारण हुआ है, अदरवाइज अमेरिका और पाकिस्तान तो चाहते नहीं थे ऐसा हो। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, ईरान इंडिया जो है किसके साथ करेगा, बांग्लादेश के साथ, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये रहा, और यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया एंड बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति ये कमांड्स है, इसको याद रख लीजिएगा, और ये कौन सी कितनी टाइम्स हो रही है, 10th एडिशन है, याद रखिएगा कब से कब तक होगा, June 5-16 तक ये किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, इंडियन शूटर यानी कि भारतीय निशानेबाज जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, याद रखिएगा पैरा शूटिंग यानी कि, देखिए मैं सीधा सीधा बताता हूँ आप चीज़ों को समझ पाओगे, इन्हें दिव्यांग बोला जाता है, विकलांग बोला जाता है हिंदी में, बट आप जो है वो पैरालाइज ओलंपिक होता है उसमें, जो है पैरा ओलंपिक होता है उसमें वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मनीषा कीर, अवनी लेखरा, सोनिया राय या हिना सिद्धू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अवनी लेखरा। अब देखिए मैं इनके बारे में बता दूं, इनके पिता जो थे आईएएस थे, और जब इन्होंने देखा कि अवनी जो है डिफरेंट है वो और लोगों से डिफरेंटली एबल है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट करा और जो जो चीज़ें होती थी उतनी उसको मोटिवेशन दी, उसके बाद देखिए आज वो इंडिया का नाम रोशन कर रही है। तो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करते रहिए, क्या पता कौन क्या कर जाए, याद रखिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप पैसे बैंक में रख रहे हो उससे अच्छा कि आप किसी इंसान पर इन्वेस्ट करो,
पता नहीं कि वो इंसान क्या इसके आउटकम्स दे सकता है। शाहरुख खान का एग्जांपल ले लो, APJ अब्दुल कलाम का एग्जांपल ले लो, देयर आर मैनी मैनी मोर एग्जांपल्स। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप इनकी फोटो देख लीजिए, आपके माइंड में अवनी लेखरा ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। पिक्चर से अगर आप याद करोगे तो ज़्यादा दिनों तक याद कर पाओगे। और देखिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर भी तैयार किया था, जो कि कितना था, 250.6, याद रखिएगा। और इन्होंने 10 मीटर राइफल में ये जो है जीता था। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखिए कि इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल CSV को क्लियर करने के लिए जो है लगे हुए हो उसमें, तो आपको बता दूँ दो चीज़ें। पहली बात, आप ना मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, 499 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आर्मी स्कूल मैंने 3 बार कंप्लीट करा है, 3 बार मैंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, और मैं यहाँ पे काम भी कर चुका हूँ। तो इट्स अपॉन टू यू कि आप जो है इस नोट्स को लेकर एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप खुद से तैयारी करते हो, खुद सेल्फ स्टडी से आपको लगता है कि आप 1 महीने में खुद से इसे कर पाओगे, तो नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो और इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ये अगर आपको कहीं और से अवेलेबल हो जाता है तो भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके या ईमेल में पूछ सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NHAI एंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर, देखिए इन्होंने क्या किया, मैं आपको क्लियर में करके मैं बता देता हूँ। देखिए इन्होंने ना बिटुमिनस कंक्रीट रोड बना दिया 5 दिनों में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो बस आपको ये बताना है कि ये जो रोड है ना, कंक्रीट रोड, रिकॉर्ड 5 दिन में बनी है, कितने किलोमीटर की ये रोड थी। तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, ये 75 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे था जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया सिर्फ 5 दिनों में, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, गिनीज वर्ल्ड में इसका नाम है, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर ये हाईवे तैयार किया गया है, अमरावती में, तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि अमरावती में यह बनी हुई है। आपको नीचे कमेंट करके बता देना है अमरावती किस स्टेट में पड़ता है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए ज़रूर। आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच सिटी सस्पेंड्स डील विद जापान ऑन फिशिंग नियर डिस्प्यूट आइलैंड, यानी कि जापान के साथ इन्होंने डील कर रखी थी कि यहाँ पे मछली वगैरह पकड़ना होगा, तो दोनों कंट्री के बीच में फ्रेंडली वहाँ पे जो है एक समझौता डील हो चुकी थी, लेकिन इस डील से जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। किसने किया है सस्पेंड जापान के साथ, तो देखिए जापान के साथ ना 2 कंट्री के बहुत ज़्यादा इशू हैं। एक तो पहला हो गया चाइना, दूसरा हो गया रसिया, दोनों ही डिक्टेटर कंट्री है, दोनों में डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चाइना और रसिया दोनों है, लेकिन इस बार रूस ने बदमाशी करी है, रूस ने बदतमीजी करी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आप देख लीजिए, ये हैं व्लादिमीर पुतिन, रसिया के प्रेसिडेंट, उनकी फोटो आप यहाँ से देख पाओगे। और ये डील देखिए जो एग्रीमेंट है वो 1998 में किया गया था कि हम लोग दोनों कंट्री इस पे जो है मिलजुल कर बात करेंगे, और दोनों जो है अपने अपने साइड से फाइनेंशियल जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी आप लोगों ने बना रखे हैं, हम लोग मिलकर काम इस पे कर लेंगे। फिलहाल पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 3400 ओल्ड सिटी इमर्ज फ्रॉम रेविशियर इन आफ्टर मंथ ऑफ एक्सट्रीम ड्रॉट, देखिए बहुत सूखे के बाद जो है 3400 साल पुराना जो है जलाशय मिला हुआ है, सर जलाशय कहाँ से मिला हुआ है, ईरान से, सीरिया से, मिस्र से या इराक से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो है यहाँ से आप देख पाओगे इराक में, ये इसकी इमेज भी देख लीजिए, इराक से ये जो है पाया गया है। और कब, 1350 BC, तो बहुत बड़ी बात है ये। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए जो भी जानवर होते हैं ना आवारा, एबंडन, उन्हें एनिमल बोला जाता है इंग्लिश में, इन पशुओं के प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर CM ने लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन नंबर को किस स्टेट के CM के द्वारा जारी किया गया है, गोवा, उड़ीसा, गुजरात या आसाम? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। और उड़ीसा जो है हमारे हॉकी इंडिया के दोनों मेन और वुमेन्स दोनों टीम की क्या है, और स्पॉन्सर भी करती है इसे, याद रखिएगा इस बात को, शायद एग्जाम में आ जाए। यहाँ से देख लीजिए, उड़ीसा CM लॉन्चेज स्टेट वाइड एनिमल हेल्पलाइन, यहाँ से आप जो है नवीन पटनायक की इमेज भी देख सकते हो। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट लॉन्चेज लाइफ गार्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फिशरमैन यूथ, यानी कि जो युवाओं को जीवन बचाने के लिए जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन से स्टेट करेगी ये? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। एक्चुअली तमिलनाडु से जो फिशरमैन है ना गलती से चले जाते थे कहाँ पे, श्रीलंका में, और वहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो इन देखिए कहाँ तक भारत की बॉर्डर है, कहाँ तक उन्हें मछली पकड़ना है और वहाँ उधर नहीं जाना है, इन चीज़ों को
तमिलनाडु सरकार जो है ट्रेनिंग के माध्यम से इन्हें सिखाएगी। और यहाँ से आप देख लीजिए तमिलनाडु के सीएम की फोटो है, ये है स्टालिन। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू यूएन विच कंट्री मोर देन 2 लाख फेस स्टारविंग एज अ रेन फॉल। देखिए आपको बस ये बताना है कि ये लोग ना भूखे मरने के कगार पे हैं, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, जिसके कारण ये लोग भूखे मरने वाले हैं। सोमालिया, ग्रेनेडा, सेनेगल या मेडागास्कर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोमालिया, बहुत ही गरीब कंट्री है ये, इसका आंसर ए होगा। यहाँ से आप बच्चों की फ़ोटो भी देख सकते हो, बड़े प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जगह ये बन चुका है। और रसिया और यूक्रेन वार के कारण यहाँ पे और भी प्रॉब्लम हो गई है, इनको अनाज और इटेबल ऑयल्स नहीं मिल पा रहे हैं, और इटेबल ऑयल यानी कि जिसमें वो खाना पका सके। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है, इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लें या पेन पेपर पे लिख लें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया बीट विच कंट्री टू फाइनल टू क्लिंच। देखिए मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ था, पोलैंड को हराकर हम लोगों ने फाइनल जीता था, FIH हॉकी फाइपैस चैंपियनशिप, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर रिसीव ऑर्डर्स ऑफ 10,000 यूनिट ऑफ EV। तो देखिए टाटा मोटर्स अभी जो है बहुत नाम कमा रहा है, बहुत सारी जो है ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आपको बस ये बताना, देखिए ये थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे विच होगा, विच स्टेट इज़ ऑन हाई अलर्ट आफ्टर हिजबुल टेररिस्ट अरेस्टेड। तो देखिए कर्नाटका को अलर्ट भेज दिया गया कि आपके यहाँ अटैक हो सकता है, आप अपने सारे इंटेलिजेंस को क्या कर दो, एक्टिवेट कर दो। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्लास के साथ ही रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच।